हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? मक्का मदीना में शिवलिंग कहाँ है? शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है, और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ मुसलमान की क्यों इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है? मक्का मदीना की क्यों यहाँ किसी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में तो बताएंगे ही, और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है। आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है, और इन्हें लगता है अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वह आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती है। यहां पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये मान्यता है कि चार धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पाप और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह की दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसीलिए हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहा जाता है, और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना के इजारत करते हैं। मदीना वो जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहां तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जो को कैद करके रखेगा? और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वो चांद को जमीन पर ले आएंगे तो आपने मान लिया कि हाँ उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाए, भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है? अब कई लोग तो इस बात को नहीं मानते कि शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो हम इस पर भी पुष्टि कर देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि इस शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे तीन दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहां मौजूद इन तीन बड़े खंभों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं, और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यह कहना है कि यही खंभा शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है।